देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुंबई जंजीरा हाईवे पर जब देर रात में अपनी टैक्सी लेकर जा रहा था तो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि मेरी टैक्सी अपने आप ही रुक गई और फिर जो आगे हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था मेरे साथ उस रात जंजीरा हाईवे पर, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है रितेश जी की। दोस्तों, इस घटना को मैं रितेश जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं मुंबई शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। भगवान की कृपा है कि आज मैं मुंबई में खुद की टैक्सी का मालिक हूँ, यानी कि मेरे नीचे कुछ ड्राइवर हैं जो मेरी टैक्सी को भाड़े पर चलाते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी कभी किसी और की टैक्सी को भाड़े पर चलाता था। वो साल 1998 का दौर था जब मैं मुंबई शहर में भाड़े पर टैक्सी चलाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोगों से मेरी जान पहचान भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से मुझे काम भी ज़्यादा मिलने लगा था और दूर दूर तक का सफ़र तय किया करता था। फिर ऐसे ही एक रोज़ पता नहीं अचानक से जब मैं शाम के 7 बजे टैक्सी में बैठा खाना खा रहा था कि तभी मेरे मालिक ने आकर कहा, अरे रितेश, तुम्हें जंजीरा के लिए जाना है, वहाँ पर कुछ सामान है, उसे ले आना। मालिक की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि एक तो शाम का वक्त था और ऊपर से दूर का काम था, यानी कि मेरा जो सफ़र था वो रात का होने वाला था। तभी मालिक ने जाते जाते एक बात और कही, हाँ एक बात और, रात का वक्त है, थोड़ा संभल कर, होशियारी से जाना है। अब ये बात मेरे माथे में ठनक आई थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें होशियारी बरतनी होगी। खैर, मैंने खाना निपटाया और बीड़ी बाड़ी फूकने के बाद ठीक रात के 9:15 बजे तक मैं निकल पड़ा जंजीरा के लिए। पर निकलते मेरे एक साथी ने मुझे हिदायत देते हुए कहा, अरे रितेश, वो रोड थोड़ा हॉन्टेड है, ज़रा संभल कर जाना, और हाँ, किसी को भी लिफ्ट मत दे देना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और हाँ, गाड़ी मत रोकियो। अब मेरे साथी ने मुझे दुविधा में डाल दिया था और साथ ही मेरे मन में एक कसक भी। खैर, मुझे जाना तो था ही, तो मैं अपने साथी की बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने रास्ते पर चल दिया। खाना तो मैंने खा ही लिया था, तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना थी कि मुझे कहीं रुककर खाना खाना है। पर हाँ, मेरे साथी की कही गई बातें ज़रूर मेरे मन में बार बार उमड़ रही थी। वैसे रास्ते में मेरा मन लगाने के लिए मेरे पास कुछ और तो था ही नहीं सिवाय बीड़ी के। जब भी बीच बीच में मन करता तो मैं चलती टैक्सी में ही दम मार लेता। खैर, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जा रहा था और अब रात के भी 11:30 बजने को हो गए थे। रोड पर अभी भी गाड़ियों की चहल पहल मची हुई थी, यानी कि रोड पूरी तरह से सुनसान नहीं था। पर हाँ, जब मैं ठीक रात के 12:27 पर जंजीरा रोड पर पहुंचा तो वहां पर मौसम में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया, यानी कि वहां की हवा में एक अलग ही नमी थी, जिस वजह से थोड़ी ठंड का एहसास हुआ। रोड पर सिर्फ मेरी टैक्सी की ही हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, जिस वजह से मैं कार को थोड़ा संभाल कर चला रहा था। वैसे तो रोड पूरा खाली था, मैं चाहता तो गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड के साथ भगा सकता था, लेकिन मैं इस रोड पर पहली बार आया था, जिस वजह से मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं कोई गड्ढा वगैरह ना पड़ जाए, जिस वजह से मैं गाड़ी को एक सीमित रफ्तार में चला रहा था। तभी मुझे सामने कुछ लोग दिखाई दिए जो एक झुंड में बैठे हुए थे। एक पल को मुझे लगा कि शायद ये वहाँ कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो सिर्फ आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन सभी ने एक ही रंग के कपड़े पहन रखे हैं, पर ये कौन थे ये बात मेरी समझ से बाहर थी। और भला ये इतनी रात को इस वीरान सड़क के किनारे बैठे क्या कर रहे थे। यही सब बातें अपने मन में दबाकर मैं आगे निकल गया। पर जब मैं उन लोगों के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि उनमें से एक आदमी कुछ इशारा कर रहा था, यानी कि वो मुझे कुछ बताना चाहता था, पर क्या ये तो मुझे नहीं मालूम। खैर, मुझे तो बस अपने काम से काम था, तो मैं अपने रास्ते चलते बना। अभी मैं कुछ दूर और पहुंचा ही था कि तभी मुझे सामने से एक पानी से भरा टैंकर आता हुआ दिखा, जो बड़ी स्पीड में बड़े चले आ रहा था। इससे पहले मैं अपनी टैक्सी को साइड करता कि तभी सन्ने से वो टैंकर मेरे साइड से निकल गया।
जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा और मेरे हाथ पांव एक पल को बुरी तरह से कांप गए थे। मैंने झट से उस टैंकर की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो वो टैंकर मुझे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वो क्या बला थी जिससे मैं अभी बाल बाल बचा था। खैर, मैंने अपनी टैक्सी को स्टार्ट किया और फिर जब मैं एक मोड़ पर पहुंचा तो फिर से मुझे वही लोग दिखे, पर इस बार वो सारे बीच रोड पर खड़े थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर ये मेरे साथ कुछ ना कुछ करने वाले हैं। उन्हें इस तरह सामने खड़ा देखकर मैं थोड़ा डर गया था और मैंने कुछ ही दूरी पर अपनी कार को रोक दिया। तभी मैंने उन्हें गौर से देखा तो अब वो सभी मुझे फिर से कुछ इशारा दे रहे थे, पर क्या मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक बार उनके पास जाकर पूछ लूं कि वो सभी मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करता कि वो सभी अचानक ही कहीं गायब हो गए। उनको गायब होता देखकर अब मैं बुरी तरह से डर गया था। तभी मुझे अपने साथी और मालिक की बात याद आने लगी जो उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले बताई थी। अब मैं समझ गया था कि ये रोड वाकई में भूतिया रोड है और यहाँ पर मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरा मन तो नहीं था अब और आगे जाने का, पर मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैंने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और फिर से गाड़ी को स्पीड में भगाने लगा। अब मेरा मन उथल पुथल हो चुका था, अंदर एक बेचैनी बन गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इतनी रात को जंजीरा गांव पहुंचूं। मेरा एक एक पल बेचैनी और डर भरे पलों में पूरी तरह से बदल गया था। खैर, जब मैं गाड़ी को भगा रहा था कि तभी पता नहीं कैसे एक तीव्र मोड़ पर अचानक एक पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे तेज ब्रेक लगाने पड़े और तेज ब्रेक लेने की वजह से मेरी टैक्सी पेड़ से टकराते हुए बची। वो तो शुक्र था कि मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, नहीं तो अभी अभी बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उस वक्त मेरी सांसें काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मेरा दिल इस कदर धड़क रहा था मानो वो अभी फटकर बाहर आ जाएगा। खैर, मैंने पहले तो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया, तब जाकर वहाँ से निकलने के बारे में मैं सोचने लगा। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पेड़ मैं अकेला कैसे हटाऊंगा और यहाँ पर किसी दूसरे रास्ते के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था जिससे होकर मैं चला जाता। अब मैं इस सोच में था कि शायद यहाँ पर कोई आ जाए जिससे मैं मदद ले सकूं, पर इस डरावनी रात और वीरान पड़े रोड पर भला कौन आता, क्योंकि यहाँ तो रात के वक्त कदम कदम पर मौत लिखी हुई थी। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे जहाँ वो पेड़ गिरा हुआ था उससे महज कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पुलिया थी और उस पुलिया पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी इंसान की रूह हो। उसे देखकर अब मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मैं समझ गया था कि आगे जाना मेरे लिए खतरे से कम नहीं है, इसलिए मैंने टैक्सी को रिवर्स लिया और उल्टे पैर वापस जाने लगा। फिर जब मैं उस रोड पर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो आदमी बैठे हुए दिखाई दिए थे तो मैंने देखा कि अब भी वो आदमी वहीं पर बैठे हुए हैं और वो सभी मुझे वहां से जाने का इशारा कर रहे थे। पर मैं तो पहले से ही डरा हुआ था तो मैं अपने रास्ते निकल गया और फिर जब मैं मेन हाईवे के किनारे पर बने एक ढाबे पर पहुंचा तो वहीं जाकर मैंने चैन की सांस ली। अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैं बच गया हूँ। फिर जब मैं ढाबे पर पहुंचा तो मैं वहीं पर पड़ी खाट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर वहीं के दो बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। मेरे माथे की सिकन को देखते हुए उन बूढ़ों ने भांप लिया था कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। तभी उन बूढ़ों ने कहा, अरे क्या बात है बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो। उन दोनों की बात पर मैंने उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो जो इतनी रात को उस रोड पर चले गए, तुम्हें मालूम भी है वहाँ पर क्या होता है। इस पर मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, नहीं जी, मैं तो पहली बार आया हूँ, अगर मालूम होता तो नहीं आता। पहले तो उन्होंने मुझे शांत किया और फिर जो उन्होंने आगे मुझे बताया तो उसे सुनकर तो मैं एक पल को वहीं चम सा गया। दरअसल उन बूढ़ों ने बताया कि एक रात की बात है, देर रात जंजीरा रोड से एक महिला गुजर रही थी जो पेड़ से थी। वो महिला उसी गाँव की थी। किसी वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर जब वो औरत रोड पर चल रही थी तभी बल्लू नशे में धुत टैंकर को लेकर घर पर लौट रहा था। पता नहीं कैसे वो औरत बल्लू के टैंकर से टकरा गई और उस महिला का पेट फट गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। बल्लू मदद करने की बजाय
सीधे वहां से निकल गया। फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बुरी तरह से तड़प रही है, क्योंकि उसकी पत्नी पेट से थी तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। पत्नी को तड़पता बिलकता देख बल्लू जैसे उसकी तरफ बढ़ा कि तभी उसकी पत्नी एकदम से खड़ी हो गई और एक अलग ही डरावनी आवाज में बोली, तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी के मुंह से ये आवाज सुनकर बल्लू का नशा तुरंत ही उतर गया और वो बुरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया था कि ये वही महिला है जिसे उसने अभी अभी टक्कर मारी थी। बल्लू बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा, पर वो महिला बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थी। उसने बल्लू की एक ना मानी और उसकी पत्नी को वो तड़पाने लगी। अब पत्नी की बुरी दुर्दशा देखकर बल्लू ने कहा, देखो मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बल्लू की बात सुनते ही वो महिला एक पल को शांत हुई और फिर बोले, जिस तरह से तुमने मुझे मारा है उसी तरह से तुम इस गांव के लोगों को मारोगे, क्योंकि मुझे इस गांव से अब नफरत हो गई है। बल्लू ने उस औरत की बात मान ली और तभी से जंजीरा रोड पर देर रात आने जाने वाले लोगों को टैंकर से वो कुचलने लगा। यहाँ तक कि उस महिला के ससुराल वालों को भी बल्लू ने मार दिया। वो महिला बल्लू को दिन दहाड़े अब दिखाई देने लगी थी, जिस वजह से बल्लू का मानसिक तनाव बढ़ने लगा। जब बल्लू का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो गांव के कुछ लोगों ने उसे जंजीरा रोड की पुलिया पर देर रात घेरकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके बाद बल्लू की आत्मा ने उन लोगों को भी मार दिया जिन्होंने बल्लू को मारा था। और उन्हीं लोगों की आत्मा राहगीरों को उस रोड पर जाने से रोकती है ताकि कोई भी बल्लू शैतान का शिकार ना हो जाए। और तब से लेकर आज तक जंजीरा रोड पर बल्लू का आतंक आज भी बरकरार है और वो महिला आज भी बल्लू से राहगीरों को मरवाने का काम करती है। तब से लेकर आज तक शाम के 7 बजे के बाद इस रोड से कोई नहीं गुजरता। दोस्तों, उन बूढ़ों की बात सुनकर अब मेरा दिल दहल गया था। वो तो अच्छा था कि मैं वापस आ गया था, नहीं तो मेरी भी लाश वहीं पड़ी मिलती। खैर, जब सुबह हुई तो मैं फिर से जंजीरा रोड पर निकल पड़ा, पर दिन में वहां मुझे रात जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ और सही सलामत मैं जंजीरा पहुंच गया और अपना काम निपटाकर मुंबई वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी वो खौफनाक घटना जिसे मैं आज भी याद कर लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज भी मैं उस रोड पर जाने से पूरी तरह से कतराता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।